मोदी के में शब्द दुनिया नहीं भूली होगी कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। खासतौर पर पाकिस्तान में मोदी की इसी धार के आगे वजीर आजम हाउस के टॉयलेट पर लाइन लग गई थी। बाद में इमरान खान ने इस परेशानी से बचने के लिए टॉयलेट के बाहर बायोमेट्रिक मशीन लगवा दी, जिस पर पाकिस्तान के विपक्ष पार्टियों ने काफी हो हल्ला किया था। लेकिन मोदी सरकार जानती है कि पाकिस्तान भारत के लिए बिना टंगड़ी वाला खिलौना है, जिसे जब चाहे पटका जा सकता है। भारत सरकार के सामने तो असली समस्या कश्मीर है, जिसकी बदौलत बिना टंगड़ी वाला पाकिस्तान गाहे बगाए गधैया नृत्य करके अपने होने का आभास कराता रहता है। मोदी और डोभाल की जोड़ी का अगला कदम पाकिस्तान के इसी गधैया नृत्य के बीच घोड़ी बिदकाने का है, मतलब घोड़ी बिदक चुकी है और इस पर सवार कश्मीर के ठेकेदार बनने वाले लोकसभा में कुर्ते फाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक मुंडी पर हाथ मारकर पूरे भारत को धमकी देते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं। मतलब इन्हें एहसास हो चुका है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार भारत का पीएम कश्मीर की समस्या को सदैव के लिए खत्म करने जा रहा है, यानी अब बहुत से गद्दारों की दुकानें बंद होने वाली है। गौरतलब है कि सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था कि मोदी सरकार घाटी में 10,000 सैनिक एयरलिफ्ट कर रही है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा आदेश जारी करके देश में आशंकाओं का दौर बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 जोन के पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है कि शहर में मौजूद तमाम मस्जिदों की गिनती करके ब्यौरा एकत्रित किया जाए। साथ ही घाटी में कितने पेट्रोल पंप हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी टैक्सियां हैं, इनकी भी गणना करके पूरी रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए। प्रशासन के इस आदेश के बाद फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के होश उड़ गए हैं। कमाल की बात यह है कि कल तक घाटी की मस्जिदों में अजान देने के बजाय बांग देने वाले अलगाववादी सांप सूंघे का इलाज करने वाले हकीम की तलाश कर रहे हैं। पर मामला केवल यहां तक नहीं है, असली हड़कंप तो बड़गाम के आरपीएफ सुरक्षा आयुक्त सुदेश नुगियाल के एक पत्र ने मचा दिया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को 4 महीने की रसद जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि घाटी में हालात बिगड़ने की आशंका है और कानून व्यवस्था से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम कर लीजिए। हालांकि अब इस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि बात बात में घाटी में बंद करने का आह्वान करने वाले अलगाववादियों पर पिछले सोमवार से ही एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके बाद ये सभी फंटर बिलों में दुबक गए हैं। विशेष तौर से एनआईए बारामूला में अधिक सक्रियता से काम कर रही है। दरअसल इस बात के संकेत सूत्रों के हवाले से बाहर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार कश्मीर में 35,000 हटाने की तैयारी कर रही है, इसलिए कश्मीर में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। केंद्र सरकार इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसी आशंका है कि 35,000 हटाए जाने के विरोध को लेकर पाकिस्तान प्रस्त हिंसा या राज्य की शांति भंग करने के प्रयास कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आम नागरिकों को कम असुविधा हो। अब जरा 35,000 के बारे में संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए। 35,000 का मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हालांकि इस पर फैसला अभी नहीं आया है, पर उसी वक्त से ये मामला देश में बहस और कश्मीर विरोध का केंद्र बना हुआ है। अनुच्छेद 35A को आजादी के 7 साल बाद यानी 1954 में संविधान में जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद नेहरू कैबिनेट की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से संविधान में जोड़ा गया। इसका आधार था 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ दिल्ली समझौता, जिसमें भारतीय नागरिकता के मामले को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में राज्य का विषय माना गया। मतलब 35A संविधान का वो अनुच्छेद है जिसके तहत कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए नियम तय हुए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थायी निवासी मानती है जो 14 मई 1954 के पहले कश्मीर में बस गए थे। ऐसे स्थायी निवासियों को राज्य में जमीन खरीदने, रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए अधिकार मिले हैं। किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर नहीं बस सकता है। किसी दूसरे राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, जबकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग हैं। अब जरा एक उदाहरण और देख लीजिए, कैसे शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को मुल्लास्तान बनाने का खेल खेला था।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला को राज्य से बाहर के व्यक्ति से विवाह करने के बाद संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला की शादी भी राज्य के बाहर की महिला से हुई है, लेकिन उनके बच्चों को सारे अधिकार मिले हुए हैं। पर यह मोदी सरकार है, यह वो सरकार है जो राष्ट्रवाद का तिलक लगाकर भारत के मस्तक पर हिंदुस्तान जिंदाबाद अंकित करने जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। भारत की गद्दी पर बैठा व्यक्ति दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में एक है, और शक्तिशाली ऐसे ही नहीं बना करते हैं। उनका शौर्य, उनका त्याग और अटल निर्णय उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं। 35A और 370 तो ऐसे जीवट लोगों के लिए साधारण बात हुआ करती है, जिसे हटाना ऐसे कर्तव्यप्राण लोग बाखूबी जानते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।